हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन को। क को हम कैसे लिखते हैं। को ऐसे एक डंडा बनाया हमने, सर्कल ऐसे थोड़ा सा बनाया, इसको पीछे की तरफ ऐसे लेकर गए और को क को इसको ऐसे भी लिखते हैं और क या क ऐसे लिख सकते हैं। और क से क्या क्या होता है। क से होती है कबूतर। और क्या क से होता है। क से होता है काजल। काजल जो मम्मी लगाती है ना अपनी आईज में, उसको क्या बोलते हैं, काजल। और क्या होता है। क से होता है कमल। क म ल कमल। और क से क्या क्या होता है। क से होता है क ल म कलम। पेन जो होती है उसको कलम बोलते हैं ना, पेन। क से होती है कला। जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं ना, तो क से हुआ कला। और क से क्या होता है। क से होता है क ल कल। टुमारो को हम क्या बोलते हैं, कल बोलते हैं ना। और क से क्या क्या होता है। क से होता है काला। ब्लैक को क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। क से होता है काला। और क से होता है कोयल। क से कोयल होता है। क से और क्या होता है, कोयला। क से होता है कंगारू। क से होता है कान। क से होता है कंधा। शोल्डर को बोलते हैं कंधा। क से होती है कोहनी। तो हमने क से क्या क्या पढ़ा। क से हमने पढ़ा क से कबूतर, क से काजल, क से कमल, क से कलम, क से कला, क से कल, क से काला, क से कोयला, क से कंगारू, क से कान, क से कंधा, क से कोहनी। तो हम देखेंगे कि कबूतर तो एक बर्ड है, काजल, कंगन, ये सारे क्या हैं। हम लोग आईज में काजल लगाते हैं, कंगन हाथ में पहनते हैं, कमल क्या है, एक फूल है, फ्लावर है, कलम पेन है, कला ड्राइंग को बोलते हैं, कल टुमारो को बोलते हैं, काला ब्लैक होता है, कोयल, कोयल भी एक बर्ड है, कबूतर भी, दो बर्ड का नाम इसमें आ गया, कंगारू एनिमल का नाम है, और कान, कंधा, कोहनी, ये सारे क्या है, हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, शरीर के अंग हैं। कान है, कंधा है। कान किस में हेल्प करता है, हमें सुनने में हेल्प करता है। कंधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। और कोहनी को क्या बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं। कंगारू, कोयला, कोल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कोयल कितना हो गया हमारा, कबूतर, काजल, कमल, कलम, कला, कल, काला, कोयला, कोयल, कंगारू, कान, कंधा, कोहनी। क से क्या हुआ, क से हुआ कबूतर, क से काजल, क से कमल, क से कलम, क से कला, क से कल,
का से काला, का से कोयल, का से कोला, का से कंगारू, का से कान, का से कंधा, का से कोनी। थैंक।